सो हे गाइस, वेलकम बैक टू वन न्यू वीडियो। दोस्तों, बॉलीवुड की दो मच अवेटेड मूवी मैदान और बड़ी मियां छोटी मियां दोनों एक ही डेट पे रिलीज होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, दोनों मूवी 11th ऑफ अप्रैल को ईद के ओकेजन पे रिलीज होने वाली है और काफ़ी बम्पर क्लैश के साथ नजर आ रही है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्या मैदान मूवी और बड़ी मियां छोटी मियां दोनों एक ही डेट पे रिलीज होगी या फिर मैदान मूवी हो गई है पोस्टपोन। साथ ही में बात करेंगे अगर एक साथ ही रिलीज होगी तो किस तरीके की बम्पर क्लैश होने वाली है, कौन मूवी किस मूवी पे पड़ेगी भारी या फिर कौन मूवी मारेगी बाजी, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी तरीके के अपडेटेड वीडियो आप सभी के लिए लेके आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले बात कर ले बड़े मियाँ छोटे मियाँ। जी हाँ दोस्तों, ये एक बॉलीवुड की मच अवेटेड मूवी है जो कि 350 करोड़ के आसपास के बजट में बनाई गई है। वहीं पर अगर बात करें तो इस मूवी की ट्रेलर अभी तक रिलीज नहीं की गई है और अपडेट की माने और रिपोर्ट की माने तो इस मूवी की जो ट्रेलर है वो 26th of March को देखने मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, वहीं पे अगर बात करें तो इनके जो मेकर्स हैं या फिर बात करें तो अली अब्बास जफर जो इनके डायरेक्टर है उनके तरफ से इस ट्रेलर को लेके काफ़ी बेहतरीन तरीके की प्रमोशन देखने मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, इतने लेवल की जो प्रमोशन देखने मिल रही है बड़े मियाँ छोटे मियाँ को लेकर ट्रेलर के रिगार्डिंग, अभी तक ऐसा प्रमोशन ट्रेलर में हमें देखने नहीं मिला था। जी हाँ दोस्तों, पिछले 3 दिन से उनके ट्विटर हैंडल पर हमें एक से एक बढ़ के लुक, एक से एक बढ़ के क्लिप देखने मिल रही है जो कि काफी एक्साइटमेंट लेवल को हाई करती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, उसी के साथ अगर बात करें मैदान मूवी के बारे में, मैदान मूवी की ट्रेलर को रिलीज कर दी गई है। वहीं पर अगर बात करें तो इसके रिलीज डेट को अभी तक नंबर के हिसाब से डिनोट नहीं की गई है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक इतना ही बताया गया है कि 2024 के ईद के ओकेजन पे मैदान मूवी देखने मिलने वाली है। और उसी के साथ दोस्तों, रिपोर्ट की माने और अपडेट के हिसाब से मैदान मूवी भी हमें 11th of April को देखने मिल सकती है। अब ये मूवी अगर एक बार और पोस्टपोन हो गई तो कहीं ना कहीं बड़े मियाँ छोटे मियाँ का जो रास्ता है, बात करें तो जो ट्रेलर का प्रमोशन है, कहीं ना कहीं एकदम सच्ची और एकदम तगड़ी कमाई के साथ साबित हो सकती है। उसी के साथ दोस्तों, बात करें तो मैदान मूवी की एक सॉन्ग भी रिलीज की गई है। जी हाँ दोस्तों, AR रहमान ने इस सॉन्ग को गाया है जो कि मिर्जा करके सॉन्ग है, काफी हार्ट टचिंग सॉन्ग है। बैकग्राउंड में आपको स्टोरी प्लॉट के जैसा देखने मिलने वाली है, एक कहानी के जैसा इस सॉन्ग को प्रेजेंट की गई है जो कि काफी इमोशन के साथ काफी बेहतरीन तरीके से इस सॉन्ग को गाया गया है। और वहीं पे बात करें तो जो एक्टिंग लेवल है बेहतरीन तरीके से हमें बैकग्राउंड में देखने मिल जाती है। वहीं पे बात करें तो जिस तरीके से दोस्तों इस ट्रेलर को, यानी कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ के ट्रेलर का प्रमोशन की जा रही है, कहीं ना कहीं ऑडियंस की जो एक्साइटमेंट लेवल है, हाइप है इस मूवी को देखने के लिए काफी तगड़े तरीके से बढ़ती हुई नजर आ सकती है। और उसी के साथ दोस्तों, अगर बात करें तो एक तरफ मैदान मूवी जो कि ट्रेलर के अंदर हमें काफी तगड़े तरीके से इमोशन के साथ एंगेज करती हुई नजर आ रही है, जिस तरीके से रिव्यू निकल के आ रहा है उसके हिसाब से ऐसा माना जा रहा है कि ये जो मूवी है मैदान मूवी अजय देवगन सर के लिए वन ऑफ द बेस्ट मूवी के साथ नेशनल अवार्ड विनिंग मूवी साबित हो सकती है। वहीं पे बात करें तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ जिसके अंदर हमें स्टार कास्ट में टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार सर नजर आ रहे हैं, बात करते हैं दोस्तों इन दोनों की जो ओरिजिनल बॉडी है, ओरिजिनल एक्शन है, ये सारी चीजें देखने मिलने वाली है। इसके अंदर कोई भी डबल बॉडी का यूज नहीं किया गया है और जिस हिसाब से इस मूवी के लिए हमें पोस्टर्स देखने मिलते हैं उसके अंदर हमें देखने मिलता है कि अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ पोस्टर के अंदर आमने सामने खड़े हैं। वहीं पे बात करें तो एक दूसरे दिन एक सेकेंड पोस्टर पोस्ट की जाती है जिसके अंदर हमें देखने मिलता है कि एक लंबा सा आदमी एक बंकर में खड़ा है और नीचे पूरा आग जल रही है और मास्क लगाया है, क्या वो अक्षय कुमार सर है या फिर कोई दूसरा, ये सारी चीजें काफी बेहतरीन तरीके से एज अ ट्रेलर प्रमोशन देखने मिल रही है। वहीं पे बात करें तो लेटेस्ट एक क्लिप देखने मिला जिसके अंदर हमें देखने मिलता है कि टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार दोनों दो घोड़े पे सवार है और एकदम फाइट के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये सारी चीजें काफी बेहतरीन तरीके से एज अ प्रमोशन देखने मिल रही है। जिस तरीके से दोस्तों बड़े मियाँ छोटे मियाँ के ट्रेलर के प्रमोशन देखने मिल रहे हैं उसके हिसाब से बात करें तो मैदान मूवी की जो सॉन्ग देखने मिल रही है ऑडियंस के इमोशन लेवल को हाई करते हुए उनके एक्साइटमेंट को बढ़ाते हुए नजर आ रही है। और उसी के साथ दोस्तों थोड़ी सी अगर शॉर्ट रिव्यू के बारे में बात करें मैदान की, तो अजय देवगन सर की जिस तरीके से इमोशन देखने मिलती है, बेसिकली दोस्तों बात करें तो कॉमेडी और उसी के साथ दोस्तों एक्शन वाली जो लेवल होती है वो एक हाई लेवल तो है ही क्रिएट करने के लिए या फिर बात करें तो उसको प्रेजेंट करने के लिए, लेकिन दोस्तों हर एक एंगल पे हर एक तरीके से इमोशन को प्रेजेंट करना काफी टफ हो जाता है। और उसी तरीके की तगड़ी इमोशन हमें मैदान मूवी के अंदर देखने मिलने वाली है जो कहीं ना कहीं नेशनल अवार्ड विनिंग तक ये मूवी जाने वाली है। तो दोस्तों मैदान और बड़े मियाँ छोटे मियाँ से कौन मूवी किस मूवी पे पड़ सकती है भारी, आपकी क्या राय है?